लक्ष्य वही है कि पूरे के पूरे क्षेत्र से धीरे धीरे ग्रेजुअली हिंदुओं को खत्म करना बंगाल तो भी भी कभी धधक सकता है काफिर वाली सोच को अगर हमने सख्ती से नहीं कुचला जैसे चाइना ने कुचला है तो बचा पाना बहुत मुश्किल बहुत तो पार्लियामेंट से बनेगा और नहीं अगर लागू करे तो राष्ट्रपति शासन लगाओ तरीका क्या है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना सबसे बड़ा फ्रॉड सेंटेंस सं, है मजहब ही सिखाता है आपस में बैठ रखना सच्चाई तो ये नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज आपके साथ मैं हूँ नमता चौधरी बंगाल में कुछ अनजान लोग पंपलेट बांटते फिर रहे हैं और उस पंपलेट में गजवातुल हिंद लिखा है मतलब कि गैर मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने की तैयारी हो रही है और सिर्फ बंगाल के कुछ इलाकों में ही नहीं बल्कि बिहार के कुछ इलाकों में ऐसे पंपलेट बांटे जा रहे हैं और इन पंपलेट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मोटे मोटे तौर पर लिखा है कि गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू हो और इसी के साथ साथ म्यांमार हो या नेपाल हो और भारत का कुछ इलाका मिलाकर एक नया देश बनाया जाए जिसका नाम हो बांग्लास्तान अभी दो दिन पहले की बात है आ, मैंने अपने वरिष्ठ सहयोगी के साथ इस पर चर्चा की थी वो चर्चा आपने देखी भी थी आज मैंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय को अपने साथ जोड़ती हूं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना खतरा होता जा रहा है क्योंकि अश्वनी जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद और जब हम यूपी की बात करते हैं जब हम देवबंद की बात करते हैं तो यहां से गजवाए हिंद की हूंकार होती है मान्यता प्राप्त कर दिया जाता है इस चीज को इस टर्म को और जब आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे तो गजवातुल हिंद का नाम आ गया जितना मैंने सर्च किया तो मुझे तो कश्मीर में एक आतंकवादी संगठन मिला गजबातुल हिंद के नाम से लेकिन आप इसको कैसे समझते हैं आपके पास क्या जानकारी है पहले तो ये टर्म समझा दीजिए फिर आगे चर्चा करेंगे गजवातुल हिंद देखिए गजवातुल हिंद एक संगठन है जिसका अंतिम जो टारगेट उसका ये है कि हिंदू जैन बौद्ध सिख जिसको हिंदू कहते हैं नॉन मुस्लिम को जनरली वो हिंदू कहते हैं इस क्षेत्र में रहने वाले जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं चाहे वो बौद्ध हो चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हों चाहे जैन हो सबको वो चाह रहे हैं कि वो खत्म हो जाए और एक नए राज्य की स्थापना हो मैंने आज के चार साल पहले 2020 में उस समय भी कहा था कि एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की पूरी तैयारी चल रही है ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश को एक्सटेंड करने का कि जहां जहां बंगाली भाषी लोग हैं उनको भाषा के आधार पर सबको जोड़ लेना भाषा के आधार पर सारे मुस्लिम्स को इकट्ठा कर लेना और इकट्ठा करके ये कहना कि हम भाई ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे जो आप बांग्लादेश बांग्लास्तान की बात बं कर रही है अब बंगाली बोलने वाले कहाँ कहाँ हैं आपके बंगाली बोलने वाले मेघालय में भी हैं बंगाली बोलने वाले आपके बंगाल में तो ही है ही हैं झारखंड के बॉर्डर पे भी हैं आपके नेपाल में भी हैं और इवन म्यांमार में भी है जो म्यांमार से सटा वाला एरिया टारगेट क्या है कि म्यांमार में बौद्ध है बौद्ध बौद्ध भी क्यों बौद्ध को भी हिंदू ही मानते हो नेपाल में हिंदू हैं तो हिंदू है ही हैं और भारत के इस पूरे एरिया को एक साथ इकट्ठा करके वहाँ पर गजवा हिंद करना गजवा हिंद करने के लिए आप इसको एक जो बड़ा इसका पिक्चर है इस पूरे क्षेत्र को खुरासान कहते हैं खुरासान खुरासान में आपका आता है भारत के बॉर्डर के सारे एरिया यानी जो अफगानिस्तान पहले 1805 में जहां पंडित नंदराम टिकू प्रधानमंत्री थे कश्मीरी ब्राह्मण थे पहले वो एरिया भी भारत का हिस्सा था उसको उन्होंने अलग कर लिया अफगानिस्तान बन गया तो यानी वो काफिरों से मुक्त हो गया पाकिस्तान 1947 में बन गया और धीरे 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 करके उन्होंने सारे हिंदू जैन बौद्ध सिख को खत्म कर दिया अब पाकिस्तान भी एक तरीके से गजवा हिंद वहां भी कायम हो चुका है अग्नि तैयारी अभी आप देख रही हैं बांग्लादेश में कि ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए कि वहां से हिंदू जैन बौद्ध सिख अपने आप भाग जाए बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार की ऐसी सी घटनाएं ऐसे वीडियोज आ रहे कि पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है मतलब बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है वो क्यों किया जा रहा है ऐसा खौफ पैदा कर देना कि लोग अपने आप छोड़ के भाग जाए तो अल्टीमेट टारगेट है कि बांग्लादेश में जो सवा करोड़ हिंदू है वो भी छोड़ के भाग जाए और ये नया जो पर्चा है ये ये जो आप जिसकी आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं बहुत ही गंभीर मामला है और पांच साल पहले भी ऐसी बातें आ चुकी हैं एक बार उस समय जो पर्चा बटा था ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात हुई थी अब ये जो नया पर्चा आया है बांग्लादेश बनाने की बात हो रही है लक्ष्य वही है कि पूरे के पूरे क्षेत्र से धीरे धीरे ग्रेजुअली हिंदुओं को खत्म करना जब हम गजवा हिंद की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल हिंदुओं को खत्म करना नहीं गजवा हिंद का मतलब हिंदू जैन बौद्ध सिख जो भी गैर मुसलमान गैर मुसलमान खत्म इस इस पूरे खुरासान के एरिया में खुरासान के एरिया में आपका अफगानिस्तान ऑलरेडी गजवा हो गया खुरास्तान के एरिया में आपका पाकिस्तान आता था ऑलरेडी गजवा हो गया खुरासान के एरिया में बांग्लादेश आता था पूरी कोशिश हो रही हो जाए खुरासान के एरिया में आपका नेपाल आता है नेपाल में बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है घुसपैठ हो रही है खुरासान के एरिया में आपका म्यांमार आता है बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है घुसपैठ हो रहा है खुरासान भारत तो है ही है उसका मेन सेंटर पॉइंट है खुरासान का खुरासान में लंका भी आता है तो लंका भी मतलब भारत के बॉर्डर पे कुल नौ देश हैं नौ देश में एक चीन के ऊपर उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है चीन से कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है बाकी आठ के आठ देश जो है वो उनके राडार पे हैं कोशिश ये हो रही है जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से धर्मांतरण के माध्यम से घुसपैठ के माध्यम से उत्पात मचा के अराजकता फैला के जिहाद फैला के हत्या बलात्कार के जरिए खौफ पैदा करना और खौफ पैदा करके वहां से पलायन करवाना और पलायन करके अपना गजवा हिंद स्थापित करना ऑलरेडी जो ये बांग्लास्तान की बात कर रही है ये इतना सीरियस मैटर है कि शायद इस पर पोलिटिकल पार्टियों का आंख नहीं खोल रही है या वो खोलना नहीं चाह रहे हैं या तो खोलना नहीं चाह रहे वोट बैंक के कारण खोलना नहीं चाह रहे भाई पहले ईस्ट बंगाल था वेस्ट बंगाल था hmm. वेस्ट बंगाल हमारे पास है ईस्ट बंगाल निकल गया बांग्लादेश बन गया ईस्ट बंगाल में क्या हो रहा है बांग्लादेश में क्या हो रहा है सबके सामने है वेस्ट बंगाल भी इस समय आके आके मुहाने पे बैठा हुआ वेस्ट बंगाल भी कभी भी धधक सकता है जो ईस्ट बंगाल में हो रहा है यानी बांग्लादेश में हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में कभी भी हो सकता है अगर हमने तत्काल सख्ती के साथ इसको कुचला नहीं तो इस जिहादी सोच को इस अराजक सोच को इस पाक नापाक की सोच सोच को इस पाक और काफिर वाली सोच को अगर हमने सख्ती से नहीं कुचला जैसे चाइना ने कुचला है तो बचा पाना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है और समाज भी जागृत हो मुझे समझ में नहीं आता कल बांग्लादेश में कल बंगाल में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ बलात्कार हुआ उसके बाद लोग कैंडल मार्च कर रहे थे कैंडल मार्च कर रहे थे तो लो लोगों ने उस पर हमला कर दिया और मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में लोग हैं हमलावर कम है कैंडल मार्च करने वाले ज्यादा और कैंडल जो कैंडल मार्च करने वाले ज्यादा वो भी भाग रहे अगर वो पलट के जवाब दे देते तो जो हमला करने आए थे कम से कम उनको भी पीट पाट लेते हमारे देश में ये पता नहीं किसने कैंडल मार्च का सिस्टम शुरू कर दिया कोई हत्या होगी कोई बलात्कार होगा कैंडल मार्च, मार्च हमारे देवी देवता सारे अस्त सुसज्जित है शंकर भगवान हमेशा त्रिशूल लेके बैठे हुए हैं माता दुर्गा हमेशा तलवार लेके बैठी हुई है हनुमान जी हमेशा गदा लेके बैठे हुए ठीक है परशुराम जी हमेशा फरसा लेके चलते हैं गड़ासा लेके चलते दुख की बात है कि जिस जो लोग परशुराम जी की पूजा करते हैं परशुराम जी की मूर्ति तो रखते हैं लेकिन गड़ासा नहीं रखते दुर्गा जी की मूर्ति रखते हैं तलवार नहीं रखते हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं गदा नहीं रखते अरे कुछ तो कम से कम देवी देवताओं से आप सीखो कि देवी देवता आपको बचाएंगे तब ना जब आप वास्तव में धर्म भीरू हो जाएंगे धर्मांतर आप वास्तव में धर्म का पालन करेंगे मेरा यह मानना है कि जो कुछ ये बांग्लास्तान बनाने की बात हो रही है सरकार को इसको सख्ती से कुचलना चाहिए और इसमें बहुत बड़ी भूमिका वो बांग्लादेशी घुसपैठिए निभा रहे हैं ये जो बांग्लादेशियों को यहां जो घुसाया गया है इन्फिल्ट्रेट किया गया है वो बड़े वे में किया गया है ऐसी जगह पे उनको ले आके बसाया गया है कि जहां पे पहले हिंदू हुआ करते थे अभी आपने सुना होगा झारखंड में निशिकांत दुबे जी रोज ट्वीट करते हैं संसद में भी बात उठा रहे हैं कि हमारे सारे आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं आदिवासी खत्म हो रहे हैं कौन कर रहा है बांग्लादेशियों ने और जब बांग्लादेशी वहां ज्यादा हो गए बांग्लादेशी वहां पार्षद बन रहे हैं बांग्लादेशी वहां प्रधान बन रहे हैं बंगाल में तो घटना आई जहां बांग्लादेशी विधायक भी बन गया था अपने फर्जी कागज बनवा के वो संदेश खाली में जो पकड़ा गया था शाहजहा वो भी बांग्लादेशी था तो जब बांग्लादेशी इतने पॉपुलर हो गए कि धंधा कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं पेट्रोल पंप चला रहे हैं होटल चला रहे हैं ढाबा चला रहे हैं रेस्टोरेंट चला रहे हैं सब कुछ चला रहे हैं क्यों चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं है यहाँ पे बांग्लादेशी आ रहे हैं उनके पादरी आ रहे हैं और जा जा के गरीबों को कन्वर्ट कर रहे हैं झूठ बोल के धोखा दे के उनको गुमराह करके क्यों क्योंकि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं है हिम्मत क्यों पड़ रही पर्चा बांटने की देश विरोधी पर्चा बांटने की हिम्मत इसलिए हो रही है हमारा देशद्रोह वाला कानून कठोर नहीं है अगर ऐसा होता ना कि जो देश, जो देश देश के खिलाफ पर्चा बाते, उसके ऊपर दस करोड़ का जुर्माना होगा उसको पचास साल सजा होगी खौफ खौफ पैदा होता कोई आपने कभी सु, सुना कि दुबई में कोई दुबई के खिलाफ पर्चा बांट रहा हो नहीं कुवैत में बहरीन में यमन में मस्कट में कोई उन देशों के खिलाफ पर्चा क्यों नहीं बांटता चीन में कभी चीन के खिलाफ पर्चा बांटने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती सिंगापुर में सिंगापुर के खिलाफ पर्चा बांटने की हिम्मत नहीं क्यों नहीं पड़ती भारत में क्यों पड़ती है हमारा कानून सड़ा हुआ है नम्रता जी मैं कई बार कह चुका हूं डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती बीमारी ठीक होती जब दवा अच्छी होती है दवा और ऐसे शासक बदलने से अराजकता खत्म नहीं होती शासक शासक बदलने से देश विरोधी घटनाएं घटना कम नहीं होती कम तब होती जब आपका कानून कठोर हो कठोर दंड हो जल्दी से सजा मिले और बंगाल और उत्तर प्रदेश को कंपेयर करूं उत्तर प्रदेश में तो बाकी राज्यों के मुकाबले वो कानून व्यवस्था अच्छे से लेकर चल रहे यूपी में तो ये सारी चीजें डल से नहीं हो पाती जबकि इतना बड़ा राज्य और अगर हो भी जाए तो फिर एक्शन के लिए तैयार रहते हैं बंगाल की ममता सरकार थोड़े ना कानून लेकर आएगी उनका तो वोट बैंक बिल्कुल सदा हुआ है इसलिए तो कह रहा हूं कि कानून तो सेंट्रल में बनाना पड़ेगा सेंट्रल से बनाना पड़ेगा पूरे देश, पड़े देश के लिए क्योंकि तो भाई सब... तो लागू नहीं होने देंगे देंगे फिर कह विरोध करने लग जाएंगे पार्लियामेंट से बनेगा और नहीं अगर लागू करे तो राष्ट्रपति शासन लगाओ तरीका क्या है भाई पार्लियामेंट से कानून बनाइए और अगर कोई राज्य उसको लागू करने से मना कर रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाइए उसका प्रावधान है संविधान में ऐसे थोड़ी होगा कि सेंट्रल पार्लियामेंट का कानून बनेगा और राज्य कहेगा हम लागू ही नहीं करेंगे हर चीज के लिए थोड़ी है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है ना राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सेंट्रल को पूरा अधिकार है कानून बनाने का घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है यह अवैध रूप से जो पर्चे बांटे जा रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है अराजकता खतरा है जिहाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो जब जो चीज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है उसमें आप हंड्रेड परसेंट संपत्ति जब्त करने दस बीस करोड़ की पेनाल्टी लगाने आजीवन कारावास फांसी देखने कानून बनाइए स्पेशल कोर्ट बनाइए छह महीने के अंदर इनका मुकदमा खत्म करिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून भाई जो पर्चा पकड़ा गया चलो वो चार पांच आदमी पकड़ भी आए तो वो सच तो बताएंगे नहीं उनको भेजा किसने उनका आलाकमान कौन है ऐसे जो जिहादी होते हैं इनका कितना भी आप मारो पीटो ये सच नहीं उगलते इनसे सच उगलवाने का क्या तरीका है इनका नार्को टेस्ट हो इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो इनकी ब्रेन मैपिंग हो और वो हमारे पास कानून नहीं है तो पुलिस इनसे कितना उगलवा पाएगी पुलिस बस इतना ही उगलवा पाएगी भाई इन्होंने पर्चा दिया पूरी चैन कौन है कौन इनको भेज रहा है कहां से इनको फंडिंग आ रही है इनके जैसे कितने लोग भारत में काम कर रहे हैं और इनका पूरा लक्ष्य क्या है इनको क्या क्या सिग्नल दिया गया है हालांकि इनमें भी पूरी पूरी बात सबको नहीं बताई जाती बहुत कोडिंग में चलता है इनका काम लेकिन कम से कम एक आदमी अपने ऊपर वाले को बता देगा दूसरा अपने ऊपर वाले को बता देगा तीसरा अपने ऊपर वाले को बता पाएगा तो कम से कम पूरी चेन तो बन जाएगी कि शुरुआत हो कहां से रही है इसका बीज पाकिस्तान में बोया गया है या ढाका में बोया गया है या कश्मीर में बोया गया है या भारत के अंदर से ही पूरी कहानी चल रही है ये तो तभी हो सकता है इस खबर के हवाले से वो ये कि सत्रह लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं पूरे देश में सत्रह हजार हाँ। अब आप सकती? मैं आपको एक बताता हूं कभी गूगल करिएगा द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी जमात भारत गूगल करिएगा तो उसका मुख्यालय भारत भारत में। है।, में है दुनिया की सबसे बड़ी जमात आप जरा सोचिए और डेढ़ सौ देशों में काम करती हो और उसका हेडक्वार्टर भारत में है भारत की राजधानी दिल्ली में है जिस जमात को उज्बेकिस्तान ने बैन किया हुआ है कजाकिस्तान ने बैन किया हुआ है अरब ने बैन किया हुआ है रूस ने बैन किया हुआ है हमने उसके खिलाफ कुछ किया ही नहीं है जो पूरे देश में कट्टरता फैला रहा है लोगों को अपनी जड़ों से काट रहा है जो भारत में विदेशी सोच को प्रमोट कर रहा है जो जमात भारत में विदेशी कल्चर को प्रमोट कर रहा है गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है जो जमात वसुद कुटुंबकम के खिलाफ आवाज फैला रहा है जो जमात कहता है नारी तू नारायणी तो ये होना ही नहीं चाहिए महिलाओं का सम्मान तो होना ही नहीं चाहिए महिलाएं एक समान नहीं होती हैं महिलाएं उपभोग की वस्तुएं जो पूरी दुनिया में जब जो जमात इस चीज को फैला रही है उसका हेडक्वार्टर भारत में है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्यों हमने धर्म और रिलीजन को डिफाइन ही नहीं किया धर्म क्या होता है रिलीजन क्या होता है इसको हमने डिफाइन नहीं किया हमारे यहाँ तो ऐसे पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं सर्वधर्म संभाव जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है ये सर्वधर्म संभाव तो हो ही नहीं सकता धर्म एक है बाकी तो पंथ होते हैं तो सर्वधर्म कहां से आ गए धर्म तो एक ही है तो फिर सर्व कहां से हो गया कहते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना सबसे बड़ा फ्रॉड सेंटेंस सं, है ये मजहब ही सिखाता है आपस में बैठ रखना सच्चाई तो ये है भाई मजहब सारे आपस में प्रेम से तब रहेंगे ना जब सबकी शिक्षा एक हो जब किताबी अलग अलग है धर्म तो वास्तव में प्रकृति के अनुसार चलता है जैसे पहाड़ किसी से भेदभाव नहीं करता नदियां किसी से भेदभाव नहीं करती वनस्पतियां किसी से भेदभाव नहीं करती हवा किसी से भेदभाव नहीं करती सूर्य चंद्रमा किसी से भेदभाव नहीं करते ऐसे धर्म किसी से भेदभाव नहीं करता धर्म ये नहीं कहता कि माता माता और पिता के बीच में बहुत अधिकारों में अंतर होता है धर्म ऐसे नहीं कहता दूसरी तरफ मजहब भेदभाव सिखाता है पूरी दुनिया में झगड़ा धर्म, धर्म का है ही नहीं है पूरी दुनिया में जो झगड़ा चल रहा है मजहब का चल रहा है क्यों क्योंकि धर्म कभी यह नहीं कहता कि सब लोग इस धर्म में आ जाओ तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी और मोक्ष में तो वैसे भी कुछ मिलता ही नहीं है मोक्ष में कोई पैकेज नहीं है दूसरी तरफ जो अलग अलग मजहब है उनमें बाकायदा पैकेज है एक कह रहा है कि जब तक हम पूरी झगड़ा चल कैसे रहा आप समझिए एक मजहब यह कह रहा है कि जब दुनिया में हम 50 परसेंट हो जाएंगे तब कयामत की रात आएगी तब यह फैसला होगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नुम में जाएगा तो 50 परसेंट होने का मतलब आज की डेट में भारत की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है फिफ्टी तो परसेंट होने के लिए कितना चाहिए 400 करोड़ तो जब 400 करोड़ होंगे तब कयामत की रात आएगी अब 400 करोड़ होंगे कैसे भी तो ढाई करोड़ है और जब तक डेढ़ करोड़ बढ़ेंगे तब तक तो जो दुनिया की जनसंख्या आठ करोड़, करोड़ हजार करोड़ हो जाएगी तो ये तो कभी कयामत की रात आएगी नहीं क्योंकि जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जाएगी दूसरा मजहब क्या कह रहा है कि जब हम 50 परसेंट हो जाएंगे तब डे ऑफ जजमेंट आएगा एक रात की बात कर रहा है एक दिन की बात कर रहा है वो कह रहा है कयामत की रात वो कह रहा है डे ऑफ जजमेंट दिन न्याय का दिन वो क्या कह रहा है जब डे ऑफ वो तब होगा जब हम 50 परसेंट हो जाएंगे वो अभी 200 करोड़ है अब वो 800 करोड़ में से 400 करोड़ होगा तब डे ऑफ जजमेंट आएगा वो तो कभी होगा नहीं क्योंकि जनसंख्या तो तेजी से बढ़ती जा रही है तो इस तरीके के जो पैकेज दिए गए और फिर अच्छे अच्छे ऑफर है कि जन्नत में जाओगे तो ये मिलेगा जहनु में जाओगे तो ऐसे जलाओ जाओगे जाओ इसमें दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं नहीं किन में जाओगे तो ये ये मिलेगा हेल में जाओगे तो ये ये मिलेगा और हम धर्म क्या सिखाते हैं हम कहते हैं कि अपनी आंखों पर कंट्रोल करो कान पे कंट्रोल करो बुरा मत देखो सभी दूसरी स्त्री को माँ मानो बहन मानो ऐसी भावना रखो ठीक है सात्विक सतोगुड़ी बनो सब कुछ करो तो क्या होगा मोक्ष मिलेगा और मोक्ष में मिल क्या मिलता है कुछ नहीं कुछ मिलता नहीं जो है वो भी खत्म हो जाएगा तो इस ये धर्म और रिलीजन का डिफरेंस है दुर्भाग्यवश हमारे देश में धर्म और रिलीजन सिखाया नहीं जाता एक चैप्टर नहीं है मैं तो बहुत बड़े बुद्धिजीवियों को देखता हूं वो धर्म और रिलीजन को अंतर उनको समझ में आता धर्म जोड़ता है मजहब तोड़ता है धर्म यूनाइट करता है रिलीजन डिवाइड करता है और इसलिए हमारे संविधान में जो लिखा ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसको सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मोरालिटी किया कि आपको अपना मजहब पालने की आजादी है लेकिन धर्मांतरण की आजादी नहीं है आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है लेकिन रीतियों की आजादी है कुरीतियों की नहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन है प्रथा की आजादी है कुप्रथा की नहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आप कोई महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते दुर्भाग्यवश उसी के नाम पे यहां पे सब बंदर चले झूठ परोसा जा रहा है सच्चाई है कि धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दिया जाए कठोर कानून बना दिया जाए जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए सिंगापुर के जैसा दुबई के जैसा अमेरिका का जैसा कठोर कानून बना दिया जाए तभी भारत बचेगा नहीं तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन चुका है राजा भरत का ननिहाल कैके जहां से माता कैके आई थी पाकिस्तान बन चुका है ईस्ट बंगाल आपका बांग्लादेश बन चुका है भारत के नौ राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं और ये जो आप बता रही हैं जो पर्चा बांटा जा रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर इस पर सख्ती से कुचला नहीं गया चीन के स्टाइल में इसराइल के स्टाइल में अगर हमने इसको कुचला नहीं तो पर जो आरोप लगे, जो वहां की जनता अब मान लीजिए अगर लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उनको पीटने के लिए टीएमसी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं जैसे कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो ये बताता है कि कही कहीं ना कहीं है सरकार का संरक्षण कह लीजिए या इग्नोरेंस है पीड़िता की तरफ से फिर बिहार वाला मामला तो कोई उठा ही नहीं रहा है कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा ऐसे जो जगन्य अपराध है ये कैसे रुकेंगे ऐसे जघन्य अपराध दुबई में होते हैं क्या आप बताइए सुना आपने कभी ऐसे जगन्य आपने अपराध कभी सिंगापुर में सुना कभी डेनमार्क में सुना कभी आपने न्यूजीलैंड में सुना कभी आपने अमेरिका में बहुत रेयर एक आध बार कभी हुआ है तो हुआ है क्यों क्योंकि एक तो उन्होंने कानून में बहुत अलग अलग क्रिस्टर क्लियर डिफाइन किया हुआ है मर्डर के भी उन्होंने पांच कैटेगरी बनाई हुई है किलिंग अलग है मर्डर अलग है मैन स्लॉटर uh, अलग है बुचरिंग अलग है हेट क्राइम अलग है जेनोसाइड अलग है सबकी अलग अलग धारा जज चाह के भी किसी की सजा कम नहीं कर सकता एकदम क्रिस्टिकल डिफाइंड है दूसरा हमारे देश में 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है अंग्रेजों ने बनाया था अंग्रेजों ने पुलिस को अपनी इकट्ठा किया था यहां पे सत्ता स्थापित करने के लिए तो 1861 के पुलिस के पुलिस एक्ट कारण पहले पुलिस अंग्रेजों की गुलाम थी अब वो सत्ता की गुलाम हो चुकी है जब तक आप आप पुलिस 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 को को स्वतंत्रता नहीं देंगे जब तक आप पुलिस पुलिस को थोड़ी निष्पक्षता नहीं देंगे जब तक पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट जब तक वन नेशन वन पुलिस कोड नहीं होगा चूंकि अठारह का पुलिस एक्ट है हर प्रदेश की पुलिस अपने अपने सत्ता के इशारे पर काम कर रही है योगी बाबा की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है और बंगाल की अलग तरीके से कर रही है केरल की के अलग तरीके से कर रही है हिमाचल की अलग तरीके से कर रही है सबकी अपनी अपनी जैसी सत्ता है उसके हिसाब से पुलिस एक्शन कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए अल्टीमेटली बंगाल की पुलिस हो या केरल की पुलिस हो या यूपी की पुलिस उसको जो वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है वो जनता की रक्षा के लिए मिलता है अपराध को खत्म करने के लिए मिलता है अपराधियों पे कहर बन के टूटने के लिए मिलता है लेकिन ऐसा कर नहीं रही कहीं कहीं तो मतलब

जो बलात्कारी है जिसने कलकत्ता में बलात्कार किया है अल्टीमेटली अपने बच, अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा झूठे गवाह लाएगा झूठे कागज बनवाएगा झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएगा झूठा एफिडेविट देगा हर हर झूठी का झूठा काम करेगा अगर यही अपराध हो जाए कि भाई झूठे कागज बनवाने पे दस साल सजा झूठी गवाही देने पे दस साल सजा झूठा हलफनामा देने पे दस साल सजा मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसके पक्ष में कोई गवाह आएगा ही नहीं जब गवाह नहीं आएगा तो जल्दी उसको सजा हो जाएगी हमारे देश में जो झूठ का कारोबार चल रहा है इसके खिलाफ हमने कठोर कानून नहीं बनाया झूठ पकड़ने के लिए हमने नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग नहीं बनाया जांच एक महीने के अंदर सुनिश्चित हो इसके लिए हमने पुलिस चार्टर नहीं बनाया जज साहब तारीख पे तारीख लंबी ना दे पाए दो दो हफ्ते की तारीख दें एक एक हफ्ते की तारीख दें और 10, 15, 20 तारीख में मुकदमे का डिसाइड कर, कर दें इसके लिए हमने जुडिशियल चार्टर नहीं बनाया साल में बावन हफ्ते होते हैं ठीक है कोई भी मुकदमा आराम से 20, 15 से 20 डेट में डिसाइड किया जा सकता है इससे लंबी डेट नहीं चाहिए तो यानी अगर दो दो हफ्ते की डेट दें तो कोई भी मुकदमा अगर बीस हफ्ते चला चालीस डेट बीस डेट पड़ी तो चालीस हफ्ते तो चालीस हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा के अंदर डिसाइड जस्टिस जस्टिस भी ईयर हमने क्या किया हुआ ऐसा कोई लिखा ही नहीं है तो जस्ट साहब मन करे छह हफ्ते की डेट दे दें जज साहब मन करे आठ हफ्ते की डेट दे जब साहब की मन करे तो बारह हफ्ते बाद की डेट दे दे कोई, कोई सवाल नहीं पूछ सकता कोई सवाल पूछ नहीं सकता उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो जुडिशियल चार्टर है नहीं पुलिस चार्टर है नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर है नहीं झूठ बोलना गंभीर अपराध है नहीं झूठ पकड़ने के लिए नार्को पोलिग्राफेट मैपिंग कानून है नहीं अकाउंटेबिलिटी है नहीं मुकदमा एक साल के अंदर डिसाइड हो पांच साल के अंदर डिसाइड हो कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है समाधान यही है खौफ पैदा करना और खौफ तब पैदा अपराध तब रुकेगा हत्या बलात्कार तब रुकेगा जब खौफ पैदा होगा और खौफ तब पैदा होता है दंड कठोर हो जुर्माना बहुत तगड़ा हो और सजा छह महीने साल भर के अंदर बिल्कुल 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 ये बात आपने सही कही अब तो देखिए कोलकाता रेप केस हो या उससे पहले हम जो जमातुल हिंद की बात कर रहे थे वहां से ये पूरी चर्चा शुरू हुई थी आपको क्या लगता है जो बातें अश्विनी उपाध्याय ने कही या उन्होंने कहा कि खौफ होना जरूरी है कठोर कानून होने जरूरी है कितना इतफाक रखते हैं आप उनकी बातों से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा नमस्कार